Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 3rd and 4th July 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Maharashtra government ne recently approval diya hai Aurangabad ko संभाजी नगर ये नाम देने का. तो औरंगाबाद को संभाजी नगर ये नाम दिया जाएगा और उस्मानाबाद को धराशिव ये नाम दिया जाएगा. तो इसके बाद एक और अप्रूवल दिया है जो कि फॉर्मर लीडर थे डीबी पाटिल. तो उस रोड को अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे रिनेम किया जाएगा, मतलब एक नया नाम दिया जाएगा ऐसे. तो शिवसेना ने ये जो डिमांड है ये बहुत सालों पहले ही रखी थी जो कि अभी अप्रूव कर दी गई है. एपीएससी रैंकिंग में, मतलब एपीएससी रैंकिंग ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल रियल इस्टेट. तो कमर्शियल रियल इस्टेट में जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी रैंकिंग की गई है. तो ये रैंकिंग की है नाइट फ्रैंक ने. तो सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स को याद रख ध्यान में रखते हुए ये जो डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल रियल इस्टेट्स है इसमें बेंगलुरु 14th रैंक पर है. तो टोटल ऐसे 20 सिटीज़ के ऊपर ये रैंकिंग की गई है और सर्वे भी किया गया है. तो 20 सिटीज़ जो है वो सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी एशिया पैसिफिक में से 20 सिटीज़ की ये रैंकिंग की गई है जिसमें बेंगलुरु का 14th रैंक है. इसके अलावा जो कंट्रीज़ में रैंक है वो है सिंगापुर, सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ एंड मेलबोर्न, जो कि है टॉप 5 रैंक्स में से. एंड रेटेड ग्रीन रेटेड सिटीज़ इन कमर्शियल रियल इस्टेट इन द एशिया पैसिफिक रीजन. तो ये जो इंडेक्स है ये प्रिपेयर किया गया कुछ पैरामीटर्स पे, और इसके पैरामीटर्स ऐसे कि क्लाइमेट रिस्क, मतलब वो जो कमर्शियल डेवलपमेंट रियल इस्टेट है वो क्लाइमेट रिस्क के अकॉर्डिंग बनी हुई है या नहीं, कार्बन इमिशन को ध्यान में रखते हुए, अर्बनाइजेशन प्रेशर एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए अगर वो पर्टिकुलर रियल इस्टेट है तो उसकी रैंकिंग की जाएगी. तो इसमें अभी जो बताया मैंने, बेंगलुरु 14th रैंक पर है, दिल्ली 17th रैंक पर है, हैदराबाद 18th रैंक पर है और मुंबई 20th रैंक पर है. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. इक्विटी एक्विजिशन ऑफ भारती एयरटेल बाई सीसीआई. सीसीआई स्टैंड्स फॉर इंडियन कॉम्पिटिशन कमीशन. तो इसमें गूगल ने इसमें कुछ स्टेक्स अक्वायर की है, जैसे कि 1.28% स्टेक्स ये अक्वायर करने जा रहे हैं, जिसको हम माइनॉरिटी स्टेक कहेंगे या नॉन कंट्रोलिंग स्टेक कहेंगे, जो कि एयरटेल में, भारती एयरटेल में ये अक्वायर करेंगे. सो इसका अप्रूवल तो सीआईआई ने दिया है, मतलब इंडियन कंपटीशन कमीशन ने. और जो अमेंडमेंट्स हुए अक्वायर करने के लिए, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, तो ये किए हैं गूगल इंटरनेशनल एलएलसी ने. और रही अल्फ़ाबेट और गूगल की बात, स्पेशली गूगल की बात, तो गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुंदर पिचाई और भारतीय एयरटेल के सीईओ है गोपाल विट्टल. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. ICICI Direct launched an app named ICICI Direct iLearn. तो ICICI Bank की जो सब्सिडियरी है, दैट इज़ ICICI Direct, इन्होंने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर कस्टमर्स, दैट इज़ ICICI Direct iLearn. तो ये ICICI सिक्योरिटीज़ ने ये लॉन्च किया है. इससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स ईजीली एक्सेस कर पाएंगे सेवरल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और स्टॉक मार्केट टॉपिक के कंटेंट को. अगर उन्हें स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में कंटेंट ढूंढना है तो वो यहाँ पर इजीली एक्सेस कर पाएंगे. सो इसमें कस्टमर्स जो है ये रोबस्ट नॉलेज जिनको चाहिए ये वो अक्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये लर्न कर सकते हैं.
टू बेटर असिस्ट देम इन देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, सो दैट उनको इन्वेस्टमेंट में आसानी हो। कई बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता नहीं रहता इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और हमको लॉस होता है, तो यही सब लॉस ना हो इसके लिए ये ICICI डायरेक्ट आई लर्न ये लॉन्च किया गया है। CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021। तो हैप्पी स्माइल्स टेक्नोलॉजीज के जो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं दैट इज अशोक सूता, इन्हें ये CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 ऑनर किया गया। तो ये ऑनर दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू क्वालिटी इनिशिएटिव्स इन बिल्डिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री थ्रू। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली इंडियन इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वेरियस इनोवेशंस इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो इसके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये CII क्वालिटी रत्न अवार्ड दिया गया। तो ये जो CII क्वालिटी रत्न अवार्ड है ये 2019 में मतलब 2019 में ये लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च क्यों किया गया, सो जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता है इन क्वालिटी मूवमेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया में कोई भी क्वालिटेटिव मूवमेंट अगर लॉन्च करनी है तो इसके कंट्रीब्यूशन के लिए ये क्वालिटी रत्न अवार्ड लॉन्च किया गया है। बॉस्ट इंडियाज स्मार्ट कैंपस इज ओपन्ड इन बेंगलुरु। तो ये जो बॉस्ट इंडिया है ये ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी और आज भी है। तो इसमें जो टॉप प्रोवाइडर है टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज के दैट इज़ बॉस इंडिया, ये न्यू स्मार्ट कैंपस इन्होंने ओपन किया है बेंगलुरु में और इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो सेंचुरीज पहले जो बॉस है मतलब बॉस ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडिया में एंटर किया था एज जर्मन कॉरपोरेशन, बट अभी ये इट इज़ इक्वली एज इंडियन एज इट इज़ जर्मन, मतलब आज इक्वली इंडियन भी है और जर्मन भी है विद इंडियन एनर्जी एंड जर्मन इंजीनियरिंग, मतलब जो भी बाकी सारे ऑपरेशंस हैं इंजीनियरिंग को छोड़कर वो सारे इंडिया देखेंगे और जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो जर्मन देखेंगे, जर्मन लोग देखेंगे या जर्मन एम्प्लॉयज़। सो ये इंडियन भी ऑर्गेनाइजेशन है आज और जर्मन भी, पहले सिर्फ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन थी। सो इसमें बोथ इंडिया एंड बॉट्स इंडिया जो है ये दोनों कंट्रीज़ ये एक साथ आ रही है टू मार्क देयर 75th एनिवर्सरीज ऑफ इंडिपेंडेंस। मैक्स लाइफ लॉन्च्ड इंस्टा कन्फर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस दैट इज इंस्टा COI। तो जो ये स्मार्ट सोल्यूशन है दैट इज इंस्टा कन्फर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस दैट इज इंस्टा COI, जिसे लॉन्च किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, दैट इज मैक्स लाइफ कंपनी। सो ये ऐसे कस्टमर्स के लिए की गई है, मतलब कस्टमर्स के लिए की गई है जो कि नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान को लेना चाहते हैं। तो इसके लिए ये मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स रिटर्न डिजिटल प्लान लॉन्च किया गया है और ये मैक्स लाइफ वेबसाइट और पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो ये जो इंस्टा COI फीचर है ये प्रपोजर को इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा रिगार्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क कवर, कि रिस्क कवर जो है इसका कमेंसमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब ये शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये इंश्योर करेगा क्विक एंड हैसल फ्री ऑनबोर्डिंग, मतलब ऑनबोर्डिंग में डिले ना हो और वो हैसल फ्री रहे, इस ऐसी ऑनबोर्डिंग इसमें की जाएगी AI इनेबल्ड स्मार्ट अंडरराइटिंग सॉल्यूशन से। तो इसलिए ये सॉल्यूशन लॉन्च किया गया फॉर सर्टेन लो रिस्क प्रोस्पेक्ट, जिस और इसका जो अश्योर सम है ये है INR 25 लाख रुपीज़। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया। तो ये किस लिए किया है देखते हैं, तो इसमें
314 applications इसमें अप्रूव किए गए हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 86,000 करोड़ टिल 31 मई 2022, और इस इन्वेस्टमेंट में और भी 596 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया फ्रॉम बॉस ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अभी बॉस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात की, वही बॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें होगा क्या कि इट मेनली प्रोवाइड्स अ कैपेक्स सब्सिडी ऑफ 20-25%। ये कैपेक्स सब्सिडी पे करेगा। सो इसमें ये जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये कैपेक्स सब्सिडी, ये 2012 में लॉन्च की थी। तो एमसीप जो है, दैट इज़ मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, जो कि कैपेक्स सब्सिडी ही कहलाता है, कैपेक्स सब्सिडी का ही नाम दिया गया है, एमसीप, दैट इज़ मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। सो ये स्कीम जो है, ये अंडर विच द गवर्नमेंट परस्यूड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मतलब ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ही लॉन्च की गई है, टू प्रोवाइड कैपेक्स सब्सिडी ऑफ 20-25%। अभी DRDO ने एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है जिसका नाम है अभ्यास। तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। सो इसमें ये जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट है, ये किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में, यहाँ पर ये अभ्यास नाम का ये फ्लाइट टेस्ट किया गया, जो कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, दैट इज हीट। अब 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का मतलब होता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो किसी पर्टिकुलर चैनल पर देकर ये रिपोर्ट करते हैं लोगों को उसकी अपडेट्स के बारे में। इसके साथ साथ, ये अपडेट्स के साथ साथ, स्पोर्ट्स में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए भी इनक्रेज करते हैं और उसके बारे में सारी अवेयरनेस लोगों को देते हैं, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं और लोगों को ये अपडेट्स देते हैं, दैट इज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सो ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया ऑन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग प्रिंट, ब्रॉडकास्ट एंड द इंटरनेट। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA CET course for target batch 2023, which is useful for CAT, ZAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEES and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.